कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मेरे को कॉलेज जाना था जिसके कारण मैं बहुत जल्दी जल्दी उज्जैन से निकली थी, बट गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मैंने कॉलेज के बाद मेरे फ्रेंड को बुलाया था कि भाई मुझे मुस्कान के रूम पे ड्रॉप कर दिया, बट रूम पे जाके मुझे एज यूजुअल मिला था ताला। फिर थोड़ी देर रेस्ट किया मुस्कान आई, देन हम लोग निकल चुके थे इंदौर घूमने के लिए, पर हम घूमते घूमते जा पहुँचे फिनिक्स मॉल। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इंदौर कॉलेज जाऊं और इंदौर में मुस्कान के पास ना रुकूं? इट इज़ के पास ना रुको और जान खा जाती है ये। बेसिकली हम लोग निकले तो हाईवे ना अपने थे, बट फिर सोचा कि मॉल सामने दिख रहा है तो भी घूम लेते हैं इसकी डिमांड पे। हमारा सिक्योरिटी चेक कर लो। मुस्कान पास आउट हुई, फिर मेरी बारी आई। पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगा हमारी शक्लें देख कर कि ये बेचारी क्या ही बम लेके आएंगी, जाने देते हैं इनको। तो हम लोग ऐसे निकल के आ गए। ये मेरी फेवरेट चीज़ है, सुबह चलना नहीं पड़ता है, ये खुद खुद हमें ऊपर लेके जाती है। अभी स्टार्ट होगा हमारे मुस्कान का फोटोशूट, साथ साथ मेरा भी लग गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ। रख दो फोन, रख रही हूँ मैं। मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ, पीछे खड़े होकर फोटो शूट कर रही है। अब इसको पकड़ के ऊपर लेके जाती हूँ, पकड़ के लेके जाना पड़ा, इसलिए एक जगह पे फोटोज खींच रही है। हम लोगों ने एक साथ फोटो खिंचवाई है। ये फोटो देख के मुस्कान बोल रही है मैं कितनी पतली दिख रही हूँ, भाई मैं कितनी मोटू दिख रही हूँ, जैसे हम लोगों ने एक दूसरे शक्ल में देखते ही नहीं आए ने हमें। भैया दो बेस्ट फ्रेंड वही होते हैं जिनमें एक मोटू एक पतलू होता है, तो हम दोनों में मैं मोटू ये पतलू है। इसको ऊपर आके दिखा बर्गर किंग और इसको ऊपर आके दिखा कैंडी, और ये जा रहा हमारा नेता ऑर्डर करने आगे। हमारा ऑर्डर हो चुका है, अब हमको वेट करना है। हम लोग बिल लेके अब बैठ चुके हैं, मैं यहाँ पे दोनों दो कोनों पे। हमें यहाँ पे किसी चीज़ का सुकून मिला हो या ना मिला हो, और बाहर जो गर्मी थी उससे ज़रूर राहत मिली आकर के, और ये हमारा डिसीजन सही था आने का। हेरा मेरा टैको, मुस्कान मैडम मुस्काना खाना स्टार्ट कर चुकी है। ये हमारा मैंगो शेक जो कि मैंगो आइसक्रीम ज़्यादा लग रहा है शेक से ज़्यादा, और ये बच्चे फ्राइज। हाउ डू यू, लोग ना फालतू में बर्गर किंग की बड़ाई करते, मेरे को कोई नहीं अच्छा लगा बर्गर किंग का टैको। मैंगो शेक पीने के बाद हमारी मुस्कान ने रिव्यू कह दिया, सुनो उससे। कैसा मुस्कान? फटे हुए दूध की तरह। मुस्कान का रिव्यू मैंगो शेक पीने के बाद फटे हुए दूध वाली फीलिंग आ रही, थोड़ी देर बाद डक आ रहेगी फटे हुए दूध की, वरना चल देखते हैं। बोला था मैंने यहाँ कुछ नहीं मिलेगा अच्छा, फिर भी नहीं मानेंगे खाना है। अब बर्गर किंग का इतना नाम सुना था, तो जो बर्गर हमको खाना था वो उनका आउट ऑफ स्टॉक था, तो फिर सोचा टैकोस ट्राई करते हैं। तो हमने टैकोस लिए जिसमें हमारा बिल बना 366 का। 366 रुपये दे के हम लोगों ने मुंह ख़राब किया लिटरली। आज के बाद कभी ना आएंगे हम यहाँ पे, एक जगह से मुंह ख़राब करके दूसरी जगह जा रहे हैं हम लोग। हम दोनों बहुत घूम चुके हैं, 366 का फालतू बिल उठवा चुके हैं, मुंह ख़राब कर चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं। यहाँ हमको हवा तो बहुत अच्छी मिली ठंडी, उसके अलावा टैकोस मैंगो शेक फ्राइज निहायती बकवास थे ना। गाड़ी अगर हम लोगों ने हाईवे पर चला जाता तो हम लोग अभी तो पहुँच चुका था छप्पा, जितना हम लोग इस मॉल के चक्कर लगा रहे हैं। एग्जिट के नाम पे पूरे मॉल के फेरे लगवा दिए इन लोगों ने। दोनों का मुंडी पकड़ाऊ और झकाना करो उसको अच्छे से। हमारा मास्टर शेफ, ये देखो मेरे मास्टर शेफ ने क्या बनाया। पेट पूजा कर चुके हम लोग, खाने के बाद में ना पेट डूब हो गया है, अब हम दोनों से हिलते नहीं बन रही है। इतने बेचारे में अभी भी राजवाड़ा जाएंगे, हम घूम के आएंगे और हम जाएंगे, हम मच्छर मार के आएंगे जरूरत पड़ेगी, बट फिर भी हम जाएंगे। विजयनगर मैकडी से निकलने के बाद में हम लोग गए थे राजवाड़ा घूमने के लिए। राजवाड़ा घूम के लोग रूम पे रेस्ट किया क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे जल्दी निकलना था। सुबह जल्दी उठे, नाश्ता किया, मैंने विजयनगर से बस ली उज्जैन के लिए, मुस्कान निकल गई कोचिंग के लिए, बट मैं पूरे रास्ते सोते सोता ही, क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही थी मुझे।